Hello everyone. Good morning, good morning guys. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hey guys, how are you all doing? I hope you guys are doing fine. This class guys, the Hindu newspaper analysis class. It happens regularly from Monday to Saturday. मॉर्निंग 11 to 11:45 के बीच में ये 45 मिनट्स का सेशन जो होता है इट कवर्स ऑल योर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे. आपके करंट अफेयर्स रोज़ाना अपडेट मैं करा देती हूँ मंडे टू सैटरडे थ्रू दिस सेशन. सो मेक श्योर यू गाइज अटेंड दिस सेशन रेगुलरली बिकॉज करंट अफेयर्स रोज़ अपडेट करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो आज गाइज 16th of September फ्राइडे का दिन है. दिल्ली एडिशन मैंने लिया हुआ है एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है. ओके सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइज, तो कल हमने देखा कि कैसे गोवा में कांग्रेस के 8 MLAs जो है वो बीजेपी में जाके जुड़ गए. टोटल कांग्रेस के सिर्फ 11 MLAs थे इन गोवा असेंबली, उसमें से 8 जो है वो बीजेपी में जाके मिल गए. तो मेजॉरिटी उनकी जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स है उनकी भी लेजिस्लेचर पार्टी, तो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के भी मेजॉरिटी 11 में से 8 मेंबर्स बीजेपी में जा के जुड़ गए. तो ऑब्वियस है कि गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हो गई है विद बीजेपी. ग्रुप एज द रिक्वायर्ड नंबर सेज असेंबली स्पीकर. असेंबली स्पीकर भी बोल रहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी को मर्ज होने के लिए जितने मेजॉरिटी लोगों का अप्रूवल चाहिए ये भी मिल चुका है. सो दिस इज अ न्यूज, हेडलाइन सिर्फ लिखना है और फर्स्ट पैरा भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ये हुआ 4th turmoil ओके ऑफ द ईयर गोवा वाला. द 3rd turmoil जो था हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट को गिराने की ट्राई की गई थी, डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की करने की ट्राई की गई थी सीएम की खुद की हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर रमेश बायस, झारखंड के गवर्नर रमेश बायस को एक लेटर दिया था और उसको लेके ये सब मुद्दा, ये सब मामला प्रॉब्लम हो गया था. तो हेमंत सोरेन इज सेइंग कि 3 वीक से ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर की वजह से जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर प्लीज़ गवर्नर क्लैरिटी दे, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया है. तो सोरेन सीक्स क्लैरिटी फ्रॉम गवर्नर. झारखंड सीएम कॉल्स फॉर एन एंड टू 3 वीक्स ऑफ कंफ्यूजन ओवर ईसीज लेटर. ओके तो हेमंत सोरेन मेट गवर्नर रमेश बायस एंड अर्ज्ड हिम टू क्लियर द कंफ्यूजन प्रिवेलिंग इन द स्टेट फॉर ओवर 3 वीक्स ओवर इलेक्शन कमीशन पॉपर्टेड ओपिनियन ऑफ मिस्टर सोरेन डिस्क्वालिफिकेशन. तो एग्जैक्टली लेटर में क्या लिखा गया था और क्यों लिखा गया था इसका क्लैरिफिकेशन गवर्नर को देना चाहिए. हेमंत सोरेन वॉन्ट्स दैट. ओके सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज, बट ये लिखने वाली न्यूज नहीं है. ओके नेक्स्ट वन इज, ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करी क्योंकि ये पूरे न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे अगेन एंड अगेन ये न्यूज़ के बारे में दिया गया है. तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया ब्रेकफास्ट स्कीम और उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोल दिया है जो कि अभी बहुत एक मुद्दा चल रहा है फ्रीबी इश्यू का. फ्रीबी का जो इश्यू है, मतलब गवर्नमेंट फ्री में चीज़ें जो बांटती है लोगों को वो वोट्स के लिए होती है, तो वो ठीक बात नहीं है. उसको लेके एक प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यू चल रहा है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है. तो तमिलनाडु सीएम ने ये जब स्कीम लॉन्च की, ऑब्वियसली इलेक्शंस आर नॉट कमिंग अप, तमिलनाडु में फ़िलहाल कोई इलेक्शंस नहीं आ रहे और उन्होंने ये किया है स्कीम लॉन्च, तो उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया इट्स नॉट अ फ्रीबी बट इट्स गवर्नमेंट्स ड्यूटी. स्टेलिन ने ये बोल दिया है, ठीक है, कि डेफिनेटली एक गवर्नमेंट का ड्यूटी है, इट्स नॉट अ फ्रीबी. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज, तो ये बेसिकली ब्रेकफास्ट स्कीम में क्या होगा, तो क्लास 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट स्कूल में उनको ब्रेकफास्ट खिलाया जाएगा.
आप देख सकते हो ये पिक्चर में खुद अपने हाथों से ये बच्चों को खिला रहे हैं तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज डिले इन गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप पीएमएवाईजी स्कीम टू इनवाइट पेनल्टी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक अपना जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना गारंटी स्कीम जो लॉन्च की थी, जिसमें बोला है टारगेट रखे गए थे कि इतने घर बिल्ड करने हैं इतने टाइम तक, तो उसमें जो डिले हो रहा है और जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स डिले कर रही है उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनको उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये बोला जा रहा है। सो बेसिकली सेंटर इज गोइंग टू फाइन स्टेट्स दैट डू नॉट मीट टारगेट्स। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर जो है वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने टारगेट मीट नहीं किए हैं कि इतने घर बनाने थे वो जो टारगेट्स थे तो उसको मीट नहीं किए उनको पेनल्टी लगाएंगे, ऐसा एक ऑर्डर इश्यू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी मतलब नॉट गारंटी ग्रामीण, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ कम अप विद अ सेट ऑफ पेनल्टीज। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इशू किए सेट ऑफ पेनल्टीज जो स्टेट गवर्नमेंट पे लगाई जाएगी अगर वो लोग और फर्दर डिले करेंगे तो। सो अपोजिशन रूल जो वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है एंड बीजेपी रूल जो आसाम है, ये लीडिंग चार स्टेट है जो ये टारगेट्स को मीट नहीं कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द स्कीम स्टार्टेड इन अप्रैल 2016 विद अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2.95 करोड़ हाउसेज। तो ये 2016 में अप्रैल में ये स्कीम लॉन्च किया गया था और टारगेट था टोटल 2.95 करोड़ हाउसेज बिल्ड करने हैं। दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पेनल्टी क्लॉज। ओके, सो 2016 के बाद पहली बार ऐसा किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम पेनल्टी लगाएंगे। द इनिशियल डेडलाइन फॉर द स्कीम वॉज मार्च 2022। तो ऑब्वियसली मार्च 2022 तक उसका डेडलाइन था और 5 साल में भी ये लोग ने कंस्ट्रक्ट नहीं किए तो अभी तो पेनल्टी लगाएंगे। बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक थोड़ा फिर टाइम दिया ज़्यादा, अनदर बाई 2 ईयर्स मार्च 2024 तक, क्योंकि दूसरे बीच में 2 साल कोविड के वजह से वेस्ट हो गए, तो अभी मार्च 2024 तक का टाइम दिया है और साथ में बता दिया है कि ये टाइम के अंदर आपने नहीं किया तो आप पे पेनल्टीज लगाई जाएगी, ये क्लॉज डाल दिया है। तो दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ गाइज। ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रोवर्शियल बनने वाला है, बड़ी स्टेट गवर्नमेंट सारी इसको अपोज करेगी और आवाज़ उठाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज गाइज दिस हैंडसम मैन रॉजर फेडरर एंड अ टेनिस लेजेंड, ओके, पुटिंग अ स्टार मार्क बिसाइड दिस, इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर लेवर कप। तो अभी उनकी लाइफ का ये एक लास्ट वो लेवर कप के लिए कम्पीट करेंगे एंड देन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का। तो रॉजर फेडरर द लेजेंड ऑफ टेनिस इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड। ये सारे हुए हमारे फ्रंट पेज के इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइज। आगे के पेजेस पे देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तो गाइज बीजेपी ने है ना एक्सटिंग वीडियो एक्साइज स्कैम, दिल्ली में जो एक्साइज स्कैम चल रहा था जिसमें मनीष सिसोदिया के प्रॉपर्टीज पे, डिप्यूटी सीएम के प्रॉपर्टीज पे छापा मारा गया था वगैरह, तो एक्साइज स्कैम को लेके एक्सटिंग वीडियो बीजेपी ने रिलीज किया है। स्टिंग वीडियो मतलब उनका पर्दाफाश करने वाला। तो सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जो डिप्यूटी सीएम है, वो सीबीआई को डेयर कर रहे हैं कि हम मुझे अरेस्ट करो, अगर ये ट्रू है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपने डेप्यूटी को सपोर्ट एक्सटेंड किया है, क्या मतलब मैं उन पर पूरा भरोसा रखता हूँ, ये चीज़ तो ध्यान में रखना है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे के पेजेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी सारे, वो हम सारे करेंगे, बट बिफोर दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए गाइज। ओके, एंड एक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे अगेन दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उसे कवर कर लेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। ओके, हाय अभय, हाय मानवी, गुड मॉर्निंग।
सो गाइज आई एम निधि ध्रुव, आई एम लॉ ग्रेजुएट एंड अकाउंटिंग सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स. एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल एंड शेयरिंग माई नॉलेज. सो दैट्स मी गाइज. वट आर वी डूइंग टूडे? वी आर डूइंग न्यूज़पेपर एनालिसिस टूडे. अन अकेडमी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मस्ट जॉइन इट. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट यूजिंग इट. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्लस एंड आइकॉनिक. ओके, दीज आर द प्राइजेस. बट फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है. यू कैन यूज माई कोड निधि लाइव फॉर दैट. आज गाइज लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का. Don't forget, okay? Don't forget to take the subscription. Today is the last day. Jaldi se 20% off ka fayda uthaiye, subscription lijiye guys. This is the right time to take the subscription. Iconic ke ye prizes hai and plus subscription ke ye prizes hai. Dono mein hi Nidhi Life code jabhi use karoge, aapko 20% discount mil sakta hai. These are unacademy learners who made it to top NL. You guys can do it too. बेसिकली दो बैचेस हमने ये वीक, मतलब ये वीक एक बैच और लास्ट वीक एक बैच लॉन्च किया हुआ है. सो एवरी वीक हम नए नए बैचेस लॉन्च करते हैं जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीशन अच्छे से कर सकते हो. तो प्रॉपर वे में सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको ये बैचेस अटेंड करके आपका एक एक एडुकेटर के पास पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा. तो 3 years LLB के लिए, जो भी ग्रेजुएशन के बाद LLB करना चाहते हैं उनके लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बैच में पढ़ाया जाएगा जो कि 7 September से चालू हो चुका है. क्लास 23 एस्पिरेंट्स के लिए 15 September से, मतलब कल से एक बैच चालू हुआ है, ठीक है, जिसमें इन ये एडुकेटर्स आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. ये कल नहीं हो पाया गाइज, कल ये क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि यूट्यूब वाली क्लास मेरे को रात को लेनी पड़ी थी. तो आज ये क्लास होगा गाइज 16th को, ठीक है, सेम क्लास करंट अफेयर्स क्विज. ओके, एंड ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट स्पेशल क्लास सीरीज ये वीक चल रहा है, ज़रूर अटेंड कीजिए. ऑलमोस्ट आई थिंक सारे सेशंस हो ही चुके हैं इसके, ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस के. एंड अनअकैडमी लीगल अदालत इज हैपनिंग ऑन 17th, प्लीज़ कल हो रहा है, ज्वाइन कीजिए. अनअकैडमी क्लैट इज ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर ऑल दी अपडेट्स, प्लीज़ ज्वाइन इट. एंड ये अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. अभी देखते हैं आगे के पेजेस पे और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस. एंड गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कम ऑन जल्दी से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज करते हैं इज दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. The bottle. Okay guys, I'm back. So next important news हम कर रहे हैं is this. Amid protest, Karnataka passes anti-conversion bill. Finally, star mark put कर रही हूँ, ठीक है. तो Karnataka के इधर लिखा गया है कि it's going to be introduced in legislative assembly later during the session. तो यही session में, यही monsoon session में, ये legislative assembly में भी put किया जाएगा. बट राइट नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो चुका है. तो डोंट फॉरगेट दैट कर्नाटका हैज़ टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पास हो चुका है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सेशन की लेटर हाफ में रखा जाएगा एंड पास कर दिया जाएगा. तो दिस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट न्यूज. बीजेपी लेड स्टेट्स में है ही सब जगह एंटी कन्वर्जन बिल. ओके, नेक्स्ट वन हमें पता है केरला में
मैंने ये पढ़ाया था आपको, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट करना है, तो आप देख सक रहे हो डॉग को वैक्सीन दिया जा रहा है सितंबर 20th से, बिकॉज इंसान में भी फिर वो रोग फैल रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना है, लिखना नहीं है। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आइलैंड, और वहाँ उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी जो बहुत ब्यूटिफुल है गाइज। तो ये जो ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी है इसको पूरा तबाह करना है, मतलब डिस्ट्रॉय करना है, डिमोलिश करना है। डिमोलिशन ऑफ रिसॉर्ट बिगिंस इन केरला आइलैंड। तो केरला के एक आइलैंड, आई हैव बीन टू वन ऑफ द आइलैंड कॉल्ड, मतलब लेक के, सी के अंदर आइलैंड नहीं है ये लेक में आइलैंड है, पूरा लेक में प्रॉपर्टीज बनाई गई है बीच में। तो ऐसे आई हैव बीन टू वन आइलैंड, मुझे ये देख के उसी की याद आ गई, पुअर आइलैंड करके। इट्स डैम ब्यूटिफुल गाइज, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बट दिस इज सम अदर वन, ओके। कपिको रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पूरा है ये, पूरे आइलैंड पे उन्होंने ही प्रॉपर्टीज बनाई है, ये पूरा का पूरा इलीगल वे में बनाया गया है, पूरा डिमोलिश करने का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट वन गाइज, एडिटोरियल पेज पे, ये एक एडिटोरियल हमें पढ़ना है आज, ओके। क्विकली क्विकली देखते हैं, EWS कोटा जिसका केस सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट फिलहाल, उसके बारे में ये है, ओके। सो आर्बिट्री एंड एक्सक्लूजनरी, ये जो केस है वो एडिटर या कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि एक तरीके से आर्बिट्री एंड एक्सक्लूजनरी है। तो या ये अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आर्बिट्री अमेंडमेंट है या एक्सक्लूजनरी है। सी, इवन इफ EWS कोटा इज अपहेल्ड, एलिजिबिलिटी विल हैव टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। तो इधर बोला जा रहा है कि EWS कोटा देना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, 10% जितना रिजर्वेशन देना, ये 103rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको चैलेंज किया जा रहा है कि बिकॉज अ पर्सन इज पुअर, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, या वो यू नो लेजी होके कमा नहीं रहा है, वॉट एवर, तो ऐसे सिनारियो में उनको रिजर्वेशन सब जगह दिया जाए वो ठीक नहीं है, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज हियरिंग दिस केस, ओके। दे आर एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 10% रिजर्वेशन देता है EWS को, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और जिसमें एक्सक्लूड किया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, हु ऑलरेडी हैव रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो जब भी EWS कोटा वाला है उसमें SC ST एंड BC को, मतलब बैकवर्ड क्लासेस को, इन सबको एक्सक्लूड किया जाएगा इसमें, ठीक है। एंड क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन अच्छा खासा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। द बेंच हैज फाइनलाइज 3 इश्यूज फॉर हियरिंग, वेदर द अमेंडमेंट हैज ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी हमने आगे देखा था एक बार ये न्यूज़ में। तो बेंच के सामने 3 मेन डिस्प्यूट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इससे वायलेट होता है, जिससे वो लोग मतलब स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना रही है उससे, whether it does so in relation to admissions to private and Indian institutions, और ये basic structure का violation क्या इसके लिए है कि private unaided institution, मतलब government की aid के बिना के private institution पे भी ये amendment लागू किया जा रहा है, क्या उसके वजह से basic structure constitution का हिल रहा है। and third point उनको देखना है, exclusion of OBC, SC and ST communities from the scope of quota tramples on the basic structure, और क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ OBC, SC एंड ST पीपल कम्युनिटीज फ्रॉम दिस कोटा, क्या उसके वजह से बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। ये 3 सवाल कोर्ट को डिसाइड करने हैं, मेनली ये 3 चीज़ें, 3 इश्यूज उनके सामने है। दीज आर वैलिड क्वेश्चन एंड इट कुड बी आर्ग्यूड दैट द लेजिस्लेशन ऑफ द रिजर्वेशन इन 2019 वॉज डन हेस्टिली विदाउट ड्यू डिलिजेंस ऑफ द क्राइटेरिया अडॉप्टेड, ओके। तो ये वैलिड क्वेश्चन है एंड हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो रिजर्वेशन 2019 में पास किया उसका लेजिस्लेशन थोड़ा हेस्ट में ही बनाया गया था, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किए बिना। फॉर एग्जांपल सेटिंग ऑफ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख, और खास करके ये चीज़ कि 8 लाख फैमिली इनकम जिसका 8 लाख से कम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाएंगे एज अ सीलिंग टू डिटरमाइन इफ समवन बिलोंग्स टू द EWS इज क्लियरली प्रॉब्लमेटिक।
तो एडिटर यहाँ बोल रहा है कि बाकी सब तो एक बार है ही प्रॉब्लम, बट उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम तो वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाएंगे. इफ अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस सच एज द NSSO रिपोर्ट की इंडिकेटर्स ऑफ अ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12 आर रिलाइड ऑन. A large chunk of the population will be eligible for reservation in the below rupees 8 lakh EWS category and not just the truly deserving sections of the poor. तो ये जो पूरा है ये consumer expenditure surveys जो था NSSO का report जो कि actually 11-12 का report है 10 साल पहले का. अभी 10 साल पहले जो बंदा और तभी 10 साल पहले 8 लाख की value भी ज़्यादा थी ठीक है अभी के मुकाबले. तो वो पॉपुलेशन जो बिलो 8 लाख तभी अर्न करता था उनको लिया जाएगा EWS कैटेगरी में. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 10 साल में वो लोग पढ़ लिख के आ गए हो उनके घर में बच्चे अच्छे से कमा रहे हो तो भी वो लोग को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रिविलेज मिलेगा एंड जो डिजर्विंग सेक्शन ऑफ पुअर है उनको फिर रह जाएगा नहीं मिलेगा चांस. गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी सबमिटेड तो ये डिस्प्यूट तो कब से ही चल रहा है कोर्ट के सामने. तो इसमें जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी थी उन्होंने बोला कि ये सीलिंग जो है वो रीजनेबल है. फिर बाद में काफ़ी महीनों के इन्वेस्टिगेशन वापस रिकंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट की कमेटी ने यही बताया कि ये सीलिंग रीजनेबल है बट इट कुड नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन हाउ द इनकम क्राइटेरिया वॉज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर द OBC क्रीमी लेयर. तो OBC क्रीमी लेयर से कैसे अलग है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऐसा वो लोग प्रूव नहीं कर पाए. ऑल्सो 8 लाख फिगर डिड नॉट करस्पॉन्ड टू एनी डेटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सन्स इन द पॉपुलेशन विद इनकम्स रिलेटेड टू इट. और 8 लाख जितना या 8 लाख से कम कितने लोग पूरे पॉपुलेशन में कमाते हैं ये डेटा भी कुछ नहीं गवर्नमेंट ने फाइंड किया और कमेटी ने ये बता दिया कि ये रीजनेबल है. Petitioners have also argued that the net effect of the exclusion of backward classes and SC/ST aspirants from the EWS has been that they are now denied an opportunity to compete in general category to extend to 10% in effect, limiting the quota to the forward classes. तो जो SC/ST और BCs को मिलता था प्रिविलेज के थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाए जनरल कैटेगरी से कम्पीट करने में तो वो भी नहीं मिल पाएगा उनको ये अगर अमेंडमेंट लागू हो गया तो. तो बेसिकली इवन दो पीपल बिलोंग एंड सडनली देयर इनकम इज ड्रॉप्ड बिलो 8 लाख तो उनको फिर ये रिजर्वेशन मिल जाएगा. तो जो बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट even if the court agrees to maintain that reservations can be provided on economic basis. तो भले कोर्ट ऐसा मान ले कि reservations दे सकते हैं economic basis पे. Something that has been explicitly denied so far with only social and educational backwardness being mentioned in the constitution and reiterated in several judgments. But आज तक constitution में हमेशा से यही माना गया है कि जो socially and educationally backward classes हैं उनको privilege दिया जाए privilege as in उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाए और कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बेनिफिट देने की कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं हुई है सालों से ना ही कोई जजमेंट्स में बात हुई है. एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम द बेनिफिट डिस्पाइट देयर बिलोंगिंग टू EWS रेंडर्स द लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेटरी. एंड ये बात है कि दोज हु आर अर्निंग लेस से फॉर एग्जाम्पल लेस देन 8 लाख रुपीज बट इफ दे बिलोंग टू SC/ST और BC they will lose the right even under EWS category. So that's completely bad. It's definitely discriminatory. In recent recruitments and entrance examination, such as the UPSC and JEE, marks cutoffs for admissions were lower for the EWS quota than that of the OBCs. Okay? तो क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि ये साल के लिए तो जैसे जो है उसको वैसे ही कंटिन्यू करो तो EWS कोटा के मार्क्स बेसिकली लोअर थे ये साल ये UPSC एंड JEE एग्जाम इंजीनियरिंग और सिविल सर्वेंट के एग्जाम में OBC के मुकाबले उनके मार्क्स का कट ऑफ लोअर था EWS वालों का.
In essence, if an income criteria for identifying the economically weaker section has to be the basis, it must arrive at a clearly determined figure for the limit, and like the 8 lakh figure. And all sections of society, irrespective of caste, should be eligible to avail of reservation under this category. The main funda वही है कि income criteria जो है उसके ऊपर rethink करना चाहिए. Okay? Clearly determined figure पे आना चाहिए for the limit. Unlike 8 lakh figure. 8 lakh figure सबको digest नहीं हो रहा है. And all sections of society, irrespective of caste, इन सबको reservation मिलना चाहिए. तो EWS लाना है तो straight away लाओ. उसमें किसी को exclude नहीं करो कि अगर तुम कम भी कमाते हो पर तुम वो community से belong कर दो तो तुमको नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं रखना चाहिए. तो ये एडिटर का ओपिनियन था उनके एडिटोरियल में. आगे के पेजेस पे देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है. सलोनी एंटी कन्वर्जन बिल, मतलब जो लव जिहाद वाला प्रॉब्लम है ना स्पेशली, मतलब किसी को भी ड्यू बिकॉज ऑफ मैरिज कन्वर्ट करवाए, मतलब कोई हिंदू और मुस्लिम लड़की का शादी हुआ, तो हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो वो हिंदू लड़का भी फोर्सफुली मुस्लिम लड़की को नहीं बोल सकता है कि तू कन्वर्ट कर अपना रिलीजन हिंदू में. एंड कोई मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की का शादी हुआ तो भी वाइस वर्सा नहीं कर सकते. ऐसी चीज. प्रनीत, ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ओके, शैली ने आपको बता दिया था. हाय रौनक, हाय गंजन, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, नीट में इंटरेस्ट खो दिया है आपने रौनक, और आप MHCET देना चाहते हैं. MHCET को तो काफ़ी टाइम है बेटा, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो. और MHCET के लिए 6-8 महीना भी प्रिपेयर कर लिया तो हो जाता है. दो करंट अफेयर्स एक साल पहले के पूछते हैं, बट आप 6-8 महीने में वो एक साल के करंट अफेयर्स कर लेना, हो जाएगा रौनक आराम से. Is this affect the regular reservation of SC and OBC? No, Anubhav, it's not affecting that. तो इसीलिए लाया गया है कि normal reservation जो SC, ST, OBC को मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, but EWS criteria वाले में उनको नहीं मिलेगा क्योंकि उनको अलग reservations मिल रहा है. ऐसा फंडा है actually. तो या गुंजन, हम क्लेम भी नहीं करने जाएंगे ना अगर हम लोग अफोर्ड करते हैं तो. व्हाई कैन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी यूज्ड फॉर कोटा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है ये केस सुनते समय. ये सेम चीज मैंने एडिटोरियल में जो पढ़ाई उसके बारे में. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बेयरिंग हियरिंग पिटिशंस अगेंस्ट अमेंडमेंट. तो ये 103 अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस सुन रही है उसके बारे में है कि व्हाई कैन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी यूज्ड फॉर कोटा. The next one is, guys, a very bad news once again. ऐसी सब न्यूज़ पढ़ के ऐसे सुबह सुबह मेरे को सीरियसली डिप्रेस हो जाती हूँ मैम. हथरस केस, आई एम श्योर आप सबको पता होगा यूपी में कैसे एक रेप होके, गैंग रेप होके फिर उस लड़की विक्टिम को मार दिया गया था, जला दिया गया था. तो ये हथरस केस जो था यूपी का, काफ़ी ख़राब केस था 2 साल पहले का. 6 held for rape again, once again one Dalit girl, sorry not one Dalit girl, 2 Dalit sisters, जो सगी बहनें थी दोनों का ही रेप किया गया और फिर उनका मर्डर करके उनको पेड़ पे, गांव के बीच में पेड़ पे लटका दिया गया. मतलब लिटरली हम लोग जो मूवीज में देखते हैं कि अरे ऐसा करते हैं, ये मूवी से इंस्पायर होते लग रहा है, पता नहीं क्या. लिटरली ऐसी चीज इधर देखने वाले. आई वंडर उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी वो लड़कियों के, माइनर दलित सिस्टर्स. तो 6 हेल और 6 लोगों को इस रेप के लिए पकड़ा गया है एंड मर्डर के लिए दलित सिस्टर्स के. हथरस रिपीटेड, ऑपोजिशन ब्लेमिंग BJP गवर्नमेंट फॉर दिस. एंड ये कहाँ हुआ है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होगा जहाँ फार्मर्स के यूनियन मिनिस्टर के कॉन्वॉय के नीचे आके डेथ हो गई थी, वही प्लेस.
सो इट्स जस्ट हॉरिबल. इट जस्ट गिव मी गिव्स मी गूम्स बम्स सीरियसली. मतलब कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं. देन गाइज, हिजाब वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चालू है. तो वेयरिंग हिजाब इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ. खुद को जो पसंद है वो चीज़ वो कर रहे हैं. कपिल सिब्बल इन के बिहाफ में लड़ रहे हैं, वो लड़कियों के बिहाफ में जो हिजाब पहनना चाहती है. कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट शुड रिफर द केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. तो कपिल सिब्बल ने बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आया जाए, लाया जाए. तो ये स्टार मार्क करी हूँ, ये लिखना है अगेन. एंड ये भी लिखो गाइस, मतलब सीरियसली इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ बट लिखना है. एंड वर्ल्ड न्यूज़ में एक लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे हम लोग. That's lovely, Ronak. Gunjan, I cried at morning after reading this news. Yeah, Gunjan. Seriously, आप देखो मुझे भी अभी एकदम goosebumps आ गए. Yeah, Anubhav, I'm yet to know about this. Anubhav, मैं एक या दो दिन में आपको वापस sure बता देती हूँ. आप एक दो दिन से वेट कीजिए, मुझे वापस रिमाइंड कीजिए, दो दिन के बाद मैं आपको बता दूंगी पक्का वाला. मतलब मंडे को मैं बता दूंगी, आज फ्राइडे हो रहा है ना, मंडे को पक्का बता दूंगी. आई एम सो सॉरी, आई कुडंट यू नो लाइक अपडेट माई सेल्फ अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज करेंगे गाइस, एक मिनट. आर्मेनिया एंड अजरबैजान बॉर्डर क्लैशेस, टोल राइजेस टू ओवर 170. सो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर वो ज़्यादा खतरनाक है, बट फिर भी अजरबैजानीज आर्मेनिया की बॉर्डर में घुस के उनके सोल्जर्स को, बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया. कुछ दिन पहले हमने ये देखा था, ऑलमोस्ट 40 सोल्जर्स को. अभी ये टोल 170 पहुँच चुका है, 40 एंड दूसरे 130 लोगों को मार दिया है आर्मेनिया में जाके अजरबैजान से. तो टोटल आर्मेनिया और अजरबैजान बॉर्डर पे ये क्लैशेस में टोटल इतने लोग मरे हैं. ट्रूस होल्डिंग, नो फ्रेश वायलेंस रिपोर्टेड ओवरनाइट. येरविन, फिर कल रात से कोई अभी वायलेंस नहीं मिले हैं, होते हुए दिखे नहीं हैं. बट वी रियली कांट अफोर्ड एनी वॉर्स इन आर वर्ल्ड. I hope people understand this. My God, इतनी छोटी सी जिंदगी है, पूरे 100 साल भी हम नहीं जी पाते हैं. And we are just a tiny little thing in entire universe. What are we thinking of ourselves? कि ये मेरा country, ये मेरा है, मेरा ये ego hurt किया, whatever. इसी की वजह से ये wars होती है. क्या ज़रूरत है? वन सेकेंड में आप मर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. और ये सब करके मरना है, व्हाटएवर. सो सीरियसली, व्हेन द कंट्रीज एंड द लीडर्स आर नॉट वंस हु आर लाइक स्टेबल इनफ, ये बहुत खराब है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी पूरी अर्थ के लिए. गाइस, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूज में तो कुछ खास नहीं है, जस्ट ये रॉजर फेडरर जो रिटायर हो रहे हैं गाइस, आई एम सॉरी एक मिनट, उनका पूरा करियर ग्राफ इधर दिया गया है, जो डेफिनेटली मुझे तो इंटरेस्ट करता है, आपको पढ़ना ही चाहिए. ही स्विस मास्ट्रो, ओके, स्विस बेस्ड है फेडरर, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है. इतने सारे ग्रैंड स्लैम भी जीत गए हैं, ठीक है, ये सारा उनका करियर ग्राफ है. आई थिंक यू गाइज मस्ट रीड दिस वंस, इसे प्लीज रीड कीजिए. रॉजर फेडरर का पूरा डिटेल्स जो इस बॉक्स में दिया गया है, मस्ट रीड इट गाइज, मस्ट रीड इट. एंड यस, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे. And I really hope this session was helpful to everyone. Thank you so much. Bye, guys. Yo, Gunjan, 6 se 7 ki class hai and then 8.5 se 9:30 ki class hai aaj. Ek
छः से सात प्लस क्लास है एंड 8:30 to 9:30 गाइज आई एम टेकिंग क्विज, वो गानों वाला क्विज. ओके, तो करंट अफेयर्स क्विज जो फन होता है, जिसमें बहुत इजीली आपको 5-5 डेज के करंट अफेयर्स कवर करवा देती हूँ मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. और क्विज का मीनिंग ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, तो करंट अफेयर्स आसानी से आपको याद हो जाए इसलिए हम लोग उसे मज़ेदार बनाने के लिए क्विज के वे में करते हैं. यू मस्ट कम फॉर दैट क्लास, यू गोइंग टू लव इट. ओके, सारे लोग ये क्लास के लिए आ जाना. वन मोर थिंग, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल गाइज, हु Those who have not joined it yet, please join कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरी ये marking वाला newspaper और जितना भी इसमें से notes बनाना है वो सारी चीज़ आप notes बना सकते हो. तो ये पूरी marking वाला newspaper I share PDF on this particular Telegram channel. One thing, अभी right away after class मैं तुरंत share कर देती हूँ. एंड दूसरे भी जितने फ्री क्लासेस जो मैं बता रही हूँ, करंट अफेयर्स क्विज वगैरह, तो फ्री क्लासेस पेड क्लासेस सभी के लिंक्स डालती रहती हूँ. कोई भी यूट्यूब क्लास में भी आगे पीछे टाइम होने वाला है तो मैं बता देती हूँ यही प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इसे गाइज. बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय.